ही नहीं तो कोई नहीं। जब जब युवा बोला है रीट 2021 की मैं चर्चा कर रहा था नई भर्तियों की 19,000 के शिक्षा मंत्री जी ने जब मुलाकात दो बार हो चुकी है, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 19,000 से संबंधित, क्योंकि पहले निदेशक मोदी जी से भी मैंने मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से राज्य सरकार को हमने 19,000 की जो फाइल भिजवा दी है भर्तियों के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे पीटीआई हो और चाहे रीट में पद बढ़ाने का मामला हो, जो भी थी उन्होंने राज्य सरकार को भेजा दिया था। अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि वो जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके 19,000 पदों पर पदों का वर्गीकरण किया जाएगा, फर्स्ट ग्रेड कितनी होगी, सेकंड ग्रेड कितनी होगी, पीटीआई की कितने होंगे, रीट में कितने पद बढ़ाए जाएंगे। लेकिन एक और आपको ब्रेकिंग चीज बता रहा हूं, अभी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि माने रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkalert.in पर पा सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे गूगल पे भी आके rkalert.in सर्च कर सकते हैं। जैसे आप rkalert.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो है आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी है उनसे रिलेटेड, और इसके अलावा रीट भर्ती से रिलेटेड, राजस्थान पुलिस फिजिकल रिजल्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नया इंटरफेस ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप सारी की सारी अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो गाइस लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाइए और चेक कीजिए। मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं, उनकी मंशा है कि 31,000 के अलावा एक और रीट की हम भर्ती बाद में निकालें, ऐसे में अभी पद बढ़ाने को लेकर, रीट में पद बढ़ाने को लेकर अभी हम कुछ नहीं निर्णय नहीं हो पाया, पद बढ़ भी सकते हैं नहीं भी बढ़ सकते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री चाहते एक और भर्ती और आए, ऐसे में साथियों पद, हालांकि मैंने पूरी मजबूती से बात रखी है, पद बढ़ने की चाहे ज्यादा नहीं तो कम से कम पद बढ़ाए जाए, मैंने शिक्षा मंत्री जी को कहा पद बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी फाइनल निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है कि एक और वैकेंसी की घोषणा की जाए, क्योंकि 31,000 के बाद एक और वैकेंसी निकाली जाए। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के पद कितने होंगे, सेकंड ग्रेड के चाहे 10,000 से 12,000 हो, चाहे 9,500 हो, 9,000 हो, जो भी हो, 9,500, 10,000, 12,000 जो भी पदों पर जल्द से जल्द घोषणा हो, विज्ञप्ति जारी हो। फर्स्ट ग्रेड की पदों की संख्या 3,000 से बढ़ाकर हम लगातार मांग कर रहे थे, 5,500, 6,000, 7,000 पदों पर निकाली जाए। इसके अलावा पीटीआई भर्ती के लिए हमने 26 तारीख को धरना प्रदर्शन भी किया था, और एक चीज और बता दूं, पीटीआई भर्ती में थर्ड ग्रेड की तो जरूर 100% आपकी भर्ती आएगी। शिक्षा मंत्री जी आपके मामले को लेकर पॉजिटिव है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की भी निकालेंगे। मैंने निवेदन किया कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पीटीआई की भी निकाली जाए, थर्ड ग्रेड पे सहमत है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भी संबंध में वो बात करेंगे। ऐसे में पीटीआई वाले जो कह रहे थे ना कि हम 26 को आए, पहले भी आए, हम इकट्ठा हो रहे संघर्ष, अरे भाई संघर्ष